हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरी यूट्यूब चैनल LWD जॉब में। सेंट्रल गवर्नमेंट की परमानेंट वैकेंसी का नोटिफिकेशन, कोई भी ग्रेजुएट पास कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, सैलरी जो है यहाँ पर 45,000 जो है वो पर मंथ, इससे अधिक रहेगी क्योंकि पे मैट्रिक लेवल 4 के अकॉर्डिंग सैलरी रहने वाली है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। वोमेन एंड PWD कैंडिडेट की कोई भी फीस आवेदन करते समय नहीं लगेगी। 30 अगस्त जो है इसमें अंतिम डेट है अप्लाई करने की। तो चलिए देख लेते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जो है जाकर सारी चीज़ें चेक करने वाले हैं। तो इन्होंने जो है सबसे पहले जनरल गाइडेंस एंड इंस्ट्रक्शंस टू द कैंडिडेट, जिसमें 9 अगस्त 2024 से आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रहेगी 30 अगस्त 2024। ऑफिशियल वेबसाइट पर जैसे ही आएंगे, भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय यहाँ से वैकेंसी है, इसमें जो है सबसे ऊपर आपको दिखेगा रिक्रूटमेंट, इस पर क्लिक करना है। ये जो नाम है यूनिवर्सिटी का, ऐसा नहीं है कि आपको समुद्र में जाकर ही जो जॉब करनी है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही जो है सभी नियम इसमें लागू हैं, जैसे कि आयु सीमा है, क्वालिफिकेशन है, कैसे सिलेक्शन रहेगा, सारी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डिटेल्स में यदि अप्लाई करना होगा, सबसे नंबर वन पर है। जब पूरा एडवर्टीजमेंट पढ़ लेंगे उसके बाद जो है इस पर क्लिक करेंगे। सेकंड नंबर पर जो है विज्ञापन आपको दिखेगा। थर्ड नंबर पर इसी से संबंधित जनरल गाइडेंस एंड इंस्ट्रक्शंस है, इसको भी आपको पढ़ना है, और रिक्रूटमेंट रूल, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ होंगी वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊँगी, और लास्ट में जो है आवेदन करने के लिए सबसे नंबर वन पर क्लिक कर लेंगे। तो चलिए एडवर्टीजमेंट जो है इसे ओपन करके देखते हैं। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय यहाँ से है वैकेंसी, और इसमें वुमेन कैंडिडेट बिल्कुल आवेदन कर सकती हैं। पोस्ट का नाम जो है असिस्टेंट है और असिस्टेंट फिनांस। कॉमर्स वाले कैंडिडेट के लिए जो है ये वैकेंसी रहेगी असिस्टेंट फिनांस की, जिसमें जो है नंबर ऑफ पोस्ट 12 हैं। असिस्टेंट में 15 पोस्ट हैं। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, और रिजर्वेशन जो है वो बिल्कुल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स के अकॉर्डिंग रहेगा, जैसे कि पहले भी मैंने आपको बता दिया है। अनडिजर्व कैटेगरी की जो है इसमें 7 वैकेंसी हैं। ओबीसी नॉन क्रिमिलियर की 4 हैं, एससी की 2 हैं, एसटी की 1 है, और ईडब्ल्यूएस की 1 है। असिस्टेंट फिनांस में जो है अनडिजर्व कैटेगरी की 9 वैकेंसी हैं, एससी की 2, ईडब्ल्यूएस की 1 है। एक्स सर्विसमैन की 3 पोस्ट हैं, पीडब्ल्यूडी की 1 पोस्ट है, ठीक है। पे मैट्रिक लेवल 4 ऑफ 7th CPC। तो इसमें जो है केवल इतना ही था, बाकी जो है एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो उसके लिए जो है दोबारा से रिक्रूटमेंट सेक्शन पर चलना होगा। अनुभव जो है, बिना अनुभव के आप यहाँ आवेदन कर सकते हैं। तो यहीं पर हमने जो है एडवर्टीजमेंट देख लिया, जितना दिया था इन्होंने एक PDF फाइल में। दूसरा जो है जनरल गाइडेंस एंड इंस्ट्रक्शंस है, जब आप अप्लाई करेंगे तो उसके लिए आप लोगों को इसको देखना है। रिक्रूटमेंट रूल, इसको जो है देख लेते हैं कि यहाँ पर जो है क्वालिफिकेशन, एज क्या कहा गया है, पे स्केल क्या है। तो नंबर ऑफ पोस्ट जो है ये पुराना है आप जो एडवर्टीजमेंट, तो इसको कॉपी पेस्ट इन्होंने कर दिया है। बाकी नियम जो है वो बिल्कुल समान है, क्योंकि यहाँ पर 41 पोस्ट थी, और फिलहाल जो वैकेंसी अभी आई है तो उसमें नंबर ऑफ पोस्ट 15 है असिस्टेंट की, ठीक है। तो आप ये समझ गए होंगे कि यहाँ पर जो है वो कुल नंबर ऑफ पोस्ट 15 हैं। यहाँ पर देखें स्केल ऑफ पे, सैलरी काफ़ी अच्छी है, जैसा कि थंबनेल में मैंने आपको बताया 45,000 जो है वो पर मंथ आपकी सैलरी यहाँ पर रहने ही वाली है। उम्र की अगर हम बात करें तो 35 ईयर इसमें एज लिमिट है जनरल कैटेगरी के लिए। क्वालिफिकेशन क्या कही गई है, तो एक आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस किसी से भी आपने स्नातक किया है 50% मार्क्स के साथ में, तो बस इतना ही चाहिए, ठीक है। क्वालिफिकेशन बस इतना ही मांग रहे हैं। दूसरी जो पोस्ट थी असिस्टेंट फिनांस की, तो ये नंबर ऑफ पोस्ट जो है यहाँ पर ये पुराना है, जैसा कि आपको बता दिया मैंने, क्योंकि फिलहाल इसमें जो है 12 पोस्ट पर वैकेंसी है। इसमें भी 35 ईयर तक के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, पे स्केल आपने देख ही लिया है। क्वालिफिकेशन जो है इसमें स्नातक 50% मार्क्स के साथ में, लेकिन इसमें हर कोई अप्लाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसमें कॉमर्स वाले कैंडिडेट जिन्होंने मैथमेटिक्स या स्टैटिक्स स्टैटिस्टिक्स से किया है तो आवेदन करेंगे, ठीक है।
आर्ट्स वाले या साइंस वाले जो हैं इसमें आवेदन नहीं कर सकते, ये ध्यान में आपको रखना है। पीरियड ऑफ प्रोबेशन जो परीक्षा काल होगा, ट्रेनिंग टाइम आपका जो है वो 2 साल का होगा। अभी जो है जनरल गाइडेंस एंड इंस्ट्रक्शंस में मैंने आपको लास्ट डेट बता ही दी, 30 अगस्त लास्ट डेट है। 9 अगस्त से आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए आप लोगों को 7 स्टेप फॉलो करनी है। बेसिक रजिस्ट्रेशन करना है, पर्सनल डिटेल फिल करनी है, डिटेल एजुकेशन क्वालिफिकेशन, और अनुभव तो नहीं चाहिए लेकिन अगर आपके पास है तो आप अटेस्ट कर देंगे, और उसके बाद जो है अपलोड करना है आपको फोटो सिग्नेचर डॉक्यूमेंट, ठीक है। पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस भी दी गई है, अभी देख लेते हैं कितनी है। और जितने भी डॉक्यूमेंट हैं आप लोग अटेस्ट कर देंगे, जैसे 10th 12th की मार्कशीट है, आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसका फ़ायदा लेने के लिए सर्टिफिकेट और स्नातक की डिग्री। 35 ईयर तक जो है जनरल कैटेगरी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो SC ST OBC PWD इनको जो है आरक्षण बिल्कुल मिलेगा। तो यहाँ पर जो है एग्ज़ाम होगा, सिलेक्शन प्रोसेस की यदि हम बात करें तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी जो इन्होंने बता दी, 50% मार्क्स जो है अनरिजर्व कैटेगरी EWS OBC को लाने ज़रूरी होंगे, SC ST को 45% मार्क्स लाने ज़रूरी होंगे। तो इसमें जो है क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, असिस्टेंट फिनांस के 120 और असिस्टेंट के लिए 120, ठीक है। सिलेबस भी दिया हुआ है। फीस क्या लग रही है, तो एप्लीकेशन फीस जो है 700 रुपीज़ प्लस GST SC ST कैंडिडेट के लिए, बाकी जो भी कैंडिडेट रहेंगे उनकी 1000 रुपीज़ रहेगी। वोमेन कैंडिडेट PWD कैंडिडेट की कोई फीस नहीं है, थंबनेल में मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया। सिलेबस और पैटर्न क्या रहेगा, तो असिस्टेंट के लिए जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, जनरल मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग और IT से संबंधित प्रश्न रहेंगे। फिनांस में जो है यहाँ पर अकाउंटिंग के बाकी जो है जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, जनरल मैथमेटिक्स, जैसे कि असिस्टेंट की पोस्ट के लिए है, ठीक है। पूरा पैटर्न जो है इन्होंने बता दिया है, सिलेबस भी जो है नीचे दिया गया है। यहाँ पर जो है टोटल 12 सिटीज़ हैं जहाँ पर परीक्षा आपकी होगी, न्यू दिल्ली, लखनऊ, पटना, कोलकाता, गुवाहाटी, हैदराबाद, चेन्नई, कोचीन, बेंगलोर, मुंबई, भोपाल और जयपुर। और लास्ट में जो है ऑफिशियल वेबसाइट का ये लिंक दिया हुआ है, imu.edu.in, ठीक है। तो लगभग जो है पूरी जानकारी मैंने आप लोगों को इस वीडियो में दे दी है, बाकी जो है लिंक आप लोगों को शेयर कर दिया जाएगा जिससे कि आप लोग और भी जो है अच्छे से पढ़ लेंगे, उसके बाद ही आवेदन करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।